नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। अब पार्ट 2 में देखिए हमें पॉइंट में गिवन है 2.25। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय फ्रैक्शन एंड सॉल्विंग फ्रैक्शन। सबसे पहले आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2.25 पॉइंट खत्म करें तो 225 आ जाएगा। बाय इन पॉइंट केस वी पुट 1 आफ्टर पॉइंट 2 नंबर्स आर देयर मींस 200। फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास है, अब आपने इनका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 225 बाय 100 का आपने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। ये हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। इसी तरह हमारे पास 100 है, 100 की फैक्टराइजेशन आप करोगे तो 2 टेबल पे जा रहा है, 2 5 जार 10 0 विल कम टू 2 जार 4, 2 5 जार 10, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 225 बाय 100 इक्वल्स एंड 225 की जगह आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट। बिल्कुल इनके प्राइम फैक्टर्स देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय, अब 100 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या, आप इनके पेयर बना के लिखते हो, इनको स्क्वायर फॉर्म में लिखते हो, सेम प्रोसेस है, इनके पेयर बन गए और फिर आपने इनको किस फॉर्म में लिख देना है, 3 का स्केयर है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर है, डाउन 2 का स्केयर है और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, सेट को सेपरेट सेपरेट लिखते हैं, स्केयर रूट 5 का स्केयर ओवर 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय स्केयर रूट 5 का स्केयर। अब आपको पता है स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, मीन वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, कैंसिलेशन होगी, तो आपके पास रहे कौन से नंबर गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3 5 जो 15 5 2 जार 10, 15 by 10, ये आपके पास इसका क्या आ गया, स्केयर रूट आ गया डेसिमल का। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हो, मीन 15 by 10, अगर आप इसको डेसिमल में चेंज कर लो तो आपकी अपनी चॉइस है, क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 by 10 में डिवाइड कर देंगे, 15 ही विल कीप इनसाइड, 10 आउटसाइड, 10 वन ना 10 वन जा 10, 5 विल रिमेन, नाउ पुट पॉइंट आफ्टर पॉइंट 10 यू विल इंक्रीज 50 विल बी देयर, 10 5 जार 50, तो 1.5 इसका स्केयर रूट हमारे पास क्या आ गया, 1.5। क्योंकि जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन होता है, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमें आंसर भी उसी फॉर्म में देना चाहिए। 2.25 का स्केयर रूट हमारे पास क्या आ गया, 1.5।